2022 को थाना फेज 2 में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था 299/2022 अंदर सेक्शन 376D और 392। इसमें जो वादिनी है उनके द्वारा बताया गया था कि जब वो फेज 2 के पास एक ग्रीन बेल्ट में अपने एक दोस्त के साथ थी, तो उनके साथ दो लोगों ने आकर बलात्कार किया है और उसका मोबाइल और पर्स भी लूट लिया है। इस घटना के अनावरण के लिए तत्काल टीम्स का गठन किया गया था, जिसमें सेंट्रल जोन की क्राइम टीम थे SI संदीप और यहाँ से जो IO हैं इस केस के, और थाने की भी पूरी टीम लगी हुई थी। इस घटना के अनावरण के लिए आसपास की लगभग हर फैक्ट्री, ओवर 150 फैक्ट्रीज में काम करने वाले जितने लोग हैं और उससे पूर्व में भी जिन लोगों ने यहाँ पे काम किया है, उन सबका वेरिफिकेशन किया था और आइडेंटिफिकेशन करवाया गया था। उसके अलावा कई हज़ार नंबर्स पे इस पूरी घटना में काम हुआ था और इस एरिया के लगभग हर CCTV को देखा गया था, और जो वादिनी का मोबाइल है उसको भी लगातार रन कराया जा रहा था। फाइनली 2 जनवरी 2023 को वो फ़ोन फिर से चला, उस फ़ोन को हमारी टीम्स ने ट्रेस किया और वो एक जसवंत तोमर नाम का जो व्यक्ति है, जो यहाँ पे एक चाय की दुकान करता है, उसके पास से बरामद हुआ। उसने पूछताछ में बताया कि उस दिन उसने और उसके साला अभय प्रताप ने यह घटना को कारित किया है, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया है। वादिनी ने भी उसका आइडेंटिफिकेशन इसमें किया है। घटना का सफल अनावरण जो थाना फेज 2 की टीम है और जो सेंट्रल जोन क्राइम टीम है उसने किया है। सर, घटना करने बाद ये लोग कहाँ चले गए थे? घटना करने के बाद ये लोग इसी एरिया में थे। इन्होंने कोई ऐसा पैनिक नहीं किया था कि एरिया छोड़ के गए हो। पुलिस ने उन लोगों पे भी काम किया था जो इस घटना के बाद इस एरिया से गए हो, लेकिन ये लोग इसी एरिया में थे और नॉर्मली ही अपना काम जो है कंटिन्यू कर रहे हैं। फोन ऑन करने के कारण जैसे उसने बताया, उसे लगा कि जुलाई की घटना है और अपने मतलब एक अगला साल भी लग गया है, 6-7 महीने हो गए हैं, तो पुलिस शायद इस घटना पर काम ना कर रही हो, तो उसने थोड़ी देर के लिए ये मोबाइल ऑन किया था, जिसको हमने लगातार रन कराने की वजह से जैसे ही ऑन हुआ ट्रेस कर लिया था। ये यही एक घटना है उस दिन जो इन्होंने करी और एक्सेप्ट किया है इसे। शराब के नशे में प्रोबेबली शराब के नशे में है, उसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन जो प्राइमरी फैक्ट्स हैं उसमें उसमें लगता है कि शराब के नशे में। क्या क्या बरामद हो गया? इनके पास से मोबाइल जो है लड़की का वो बरामद हुआ है।